इजिप्ट की स्वेज कैनल में मंगलवार को एक बार फिर ट्रैफिक जाम लग गया। हालांकि ये जाम थोड़े देर के लिए ही लगा, लेकिन इसने अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब दो सप्ताह पहले ही एक विशालकाय मालवाहक जहाज ने खुद को इस समुद्री रास्ते में अटका लिया था। इनचेप शिपिंग सेवा के एक ईमेल के अनुसार रमफोर्ड नाम के एक तेल के टैंकर के फंसने से थोड़ी देर के लिए स्वेज नहर में जाम लग गया। इसके बाद छोटी नावों को इसे बाहर निकालने के लिए भेजा गया, जिन्होंने सफलतापूर्वक इसे बाहर निकाल दिया और फिर नहर का रास्ता साफ हो गया। दरअसल इस टैंकर का पावर बंद हो गया था, जिस कारण ये बीच में ही रुक गया। आपको बता दें कि 23 मार्च को 400 मीटर लंबा एवर गिवन मालवाहक जहाज स्वेज नहर में फंस गया। इसी वजह से नहर के दोनों हिस्सों पर बड़ी संख्या में जहाजों का अंबार लग गया। एक सप्ताह बाद इसे सफलतापूर्वक नहर से बाहर निकाला गया। एवर गिवन के नहर में फंसने के बाद सैकड़ों की संख्या में मालवाहक जहाजों का इंतजार करते देखा गया। मंगलवार को एक बार फिर लगे जाम ने ये दिखाया है कि जब नहर का नियंत्रण मिस्र के अधिकारियों के हाथों से बाहर होता है तो इस रास्ते में ट्रैफिक बाधित होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। स्वेज कैनल के जरिए दुनिया का 12% व्यापार किया जाता है। ये नहर एशिया और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी को 2 सप्ताह तक कम कर देती है। वहीं स्वेज नहर प्राधिकरण के सलाहकार सैयद शहसा ने पिछले हफ्ते कहा कि एवर गिवन जहाज के नहर में फंसने की जांच शुरू की गई है और नतीजों को सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। उन्होंने कहा कि जहाज के ब्लैक बॉक्स की मांग की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके फंसने से पहले प्राधिकरण के निर्देशों का ठीक तरह से जवाब दिया था या नहीं। ब्लैक बॉक्स में संकट की शुरुआत से लेकर खत्म होने तक की सभी जानकारी है। इस बात की भी जांच की जाएगी कि संकट के दौरान कैसा रिस्पांस किया गया। सैयद शहजा ने कहा कि 3 से 4 दिनों में जहाज के साथ मुआवजे को लेकर एक समझौता किया जाएगा। वहीं ये भी कहा गया है कि अगर जहाज जांच से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है तो इसे अदालत तक ले जाया जाएगा। साथ ही जहाज को जब्त करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने लोगों से जांच के बारे में निष्कर्ष पर नहीं जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को नहर प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया है और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।